बुलेटिन की शुरुआत रायपुर की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर चावल पर सदन में घमासान हुआ है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल पूछा, 2019-20 में शेष चावल पर जवाब मांगा गया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने संबंध में जवाब दिया और कहा कि 3,44,000 टन शेष है। चावल जमा करने में देरी के सवाल पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी की मांग सदन की कमेटी से जांच हो, और इस हंगामे के बीच सीएम भूपेश बघेल ने हस्तक्षेप किया और इसका जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से अनुमति मिलने में देरी हुई है। सीएम ने अलग से आधे घंटे की चर्चा की बात भी इस दौरान कही। इसके साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष ने अलग से आधे घंटे की चर्चा की मंजूरी दी है। तो चावल पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। नहीं नहीं, जांच कराने की बात अस्वीकार किए हैं मंत्री जी। अमितेश शुक्ला जी, मंत्री जी की मिली भगत, मंत्री जी की मिली भगत आपके अजय भाई, अजय भाई वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 19-20 के धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रक्रिया अधीन 31 दिसंबर के बाद कितना धान बाकी है, कितना धान बाकी है और कितनी मिलिंग हो गई है आज की तारीख में, और वो धान कहाँ जमा हो रहा है, FCI में जमा हो रहा है कि नान में जमा हो रहा है। जब हम लोगों ने 25 रुपये में खरीदा तो भारत सरकार की तरफ से पत्र आया, क्योंकि आप बोनस दे रहे हो इसलिए आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। और इस बीच में खाद्य मंत्री को साथ में लिए, कृषि मंत्री भी साथ में गए, वहाँ के कृषि और पंचायत मंत्री से मिले, खाद्य मंत्री से मिले, पेट्रोलियम मंत्री से मिले। पासवान जी अब नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी बात से 100% हम सहमत हैं, लेकिन चूँकि भारत सरकार ने ये नीति बनाई है कि जो भी राज्य बोनस देगा उसे चावल नहीं खरीदेंगे। इस बीच में हम लोगों ने खूब प्रयास किया कि हमारा धान उपार्जन ज़्यादा हुआ है, इसलिए चावल जो 24 लाख मीट्रिक टन है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। अनेक पत्राचार हुए, अनेक बार हम लोग मुलाकात हुई। इतने पत्राचार होने में जो सामान्यतः सितंबर अक्टूबर महीने में आ जाता है, इसमें विलंब हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं। इस साल भी देखें आप, सितंबर अक्टूबर से जो अनुमति मिल जाना चाहिए, इस समय जाके मुलाकात किए तब भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी उन्होंने बोनस मान लिया, और हमको जो सितंबर में महीने मिल जाना चाहिए अनुमति, वो सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री से मैंने बात की, होम मिनिस्टर से मैंने बात की, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप के बाद अभी इस साल 3 जनवरी को मिला, जो सितंबर में मिल जाना चाहिए वो जनवरी मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, धान को लेकर तो मध्य छत्तीसगढ़ की सियासत लगातार गरमाई हुई थी, और अब सदन में हमने देखा कि धान का हिसाब मांगा गया और स्थिति ऐसी हो गई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए आज जो 3 महत्वपूर्ण विषय सदन में गरमाए रहे, उसमें से 2 मसले जो है वो धान से संबंधित रहे। प्रश्नकाल में अगर हम बात करें तो जिसमें सबसे ज़्यादा देर चर्चा हुई, करीब 20 मिनट से अधिक का समय जिसके लिए दिया गया, वो थे धान खरीदी की कस्टम मिलिंग में देरी का मसला। तो जो चावल छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदने के बाद बना रहा है, उसे जो केंद्रीय कोटे में जमा करना चाहिए वो जमा नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद भी जो धान बच रहा है कस्टम मिलिंग के बाद, उसका उपयोग किस ढंग से हो, कैसे उसको सरकार संरक्षित करे, कहाँ पे रखा जाए, इन सब मसलों को लेकर जब सवाल पूछे गए, तो आज जो है विपक्ष के सवालों से खाद्य मंत्री घिरे हुए नजर आए, और इसीलिए मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूरे सवालों का लब्बलुआब ये था कि सरकार ये बताना चाह रही थी कि केंद्र ने राज्य सरकार को जो केंद्रीय कोटे में चावल जमा करना है उसकी अनुमति देर से दी, और इसी वजह से जो केंद्रीय कोटे में चावल जितना निर्धारित जमा होना चाहिए उससे करीब 2 लाख मीट्रिक टन कम जो चावल है वो छत्तीसगढ़ सरकार जमा कर पाई। और इस पूरे मसले पर विपक्ष का बार बार ये आरोप था कि जो बाकी चावल है
उसका क्या किया जाएगा, कब कब अनुमति दी गई और कब कब चावल जमा किया गया, इस संबंध में जो ठोस जवाब नहीं आया, इसलिए इस पूरे मामले में विपक्ष चाहता था कि आधे घंटे की अलग से चर्चा हो या विधानसभा कमेटी से इसकी जांच करा ली जाए। तो जांच की मांग तो स्वीकार नहीं की गई, लेकिन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस मसले पर अलग से आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर यानी धान के कस्टम मिलिंग को लेकर चर्चा होगी। वहीं इसी मसले पर, इसी से जुड़े मसले पर काम रोको प्रस्ताव भी बीजेपी ने लाया था प्रश्नकाल के बाद, जिस पर जमकर हंगामा हुआ और स्थिति ये रही कि बीजेपी के सदस्यों को जब जवाब नहीं मिला और ये काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो बीजेपी के सदस्यों ने वॉकआउट कर अभी अभी अपना विरोध दर्ज कराया है। तो छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा में मूल रूप से मुद्दा यही गरमाया रहा कि धान की जो कस्टम मिलिंग हुई है उसको सही समय पर नहीं किया गया, या जो चावल रखा गया है उसका रखरखाव सही नहीं है, धान का उठाव नहीं हो रहा है जिसके कारण धान खराब हो रहा है। तो इन दोनों मसलों को लेकर आज सदन पूरी तरीके से गरमाए रहा और इसी पर चर्चा केंद्रित रही, जिसमें एक बार हंगामा हुआ और वॉकआउट भी बीजेपी ने किया, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तो इस तरीके की स्थिति का सामना आज सत्ता पक्ष को सदन में करना पड़ा है। जी बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है और प्रदेश में आपको बता दें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत धान का हिसाब देने में कहीं ना कहीं फंस गए थे, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुद इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। मैं लौटूंगी आपके पास मोहन, बने रहिएगा। आगे बढ़ते इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया है, सवाल का जवाब नहीं आने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जमकर हंगामा किया गया। धमतरी में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण का ये मामला, जिसमें बीजेपी सदस्य रंजना साहू ने इस मामले को उठाया था और कॉम्प्लेक्स निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया और इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ, उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। माननीय विधायक की उपस्थिति में सर इनकी जांच कराने की बात अस्वीकार किए हैं मंत्री जी। अमितेश शुक्ला जी, मंत्री जी की मिली आपके अजय भाई चलो आप बोलिए। चीज का जवाब दिया अमितेश शुक्ला जी, आप कहें। भ्रष्टाचार इकरे शासन काल में हो